जो आपने अंतिम बात कही कि केजरीवाल बदलाव का ही प्रतीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा दो बार नहीं तीन बार, क्योंकि तेरह में भी और मैं इसको तीन बार से मैं पांच बार भी ले जाऊंगा। तो जब कोई व्यक्ति तीन बार रिपीट होता है, और ये ना भूलें कि बीच में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव, और उसमें जितने निचले स्तर पर जाकर बीजेपी ने उनको डेड डाउन करने की कोशिश की, वो भी सर्वविदित है। और जहां तक बात आपने कही कि प्रशासनिक जो मुश्किल होती है, वो अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित से कहीं अधिक हुई, परंतु उसके बावजूद भी उनका बजट डबल हुआ और जो प्रॉमिसेस किए गए उनको निभाया जा रहा है आज की डेट तक। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 400 पे हाफ है, 20,000 लीटर पानी है वो फ्री है, बस सेवा फ्री है महिलाओं के लिए। और ये जो महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है ना, और कितनी भी आलोचना कर ले, बाकी जगह से शिक्षा की स्थिति जो दिल्ली है उसकी ठीक है। जी मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। तो हम महिलाओं को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे आसपास 400,000 लोग रहते हैं कल्याणपुरी त्रिभुवपुरी, जिनकी महिलाएं बस में फ्री जाती है। ये छोटी सी मदद उनको बहुत ज्यादा काउंट करती है। आपने बीच में क्या बोला था? मैंने बोला था सर कि और कितनी भी आलोचना लोग करें उसके बावजूद भी सच ये है कि दिल्ली से बेहतर सरकारी शिक्षा का मॉडल अभी किसी और राज्य ने नहीं दिया, कम से कम भाजपा शासित राज्य ने तो नहीं ही दिया नहीं है। उसके अलावा भी स्वास्थ्य सेवाएं अगर देखो आप, जैसे मैं कहता हूँ कि 4-5-6 डिस्पेंसरी जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की DGHS की है, अगर आप वहां जाकर देखें, जैसे मेरे पास में LBS पड़ता है, वहां जाकर आपको देखें तो आपको डेट मिलेगी, भले ही वो किसी दूसरी टेस्ट में, चाहे 8,000 का हो, 4,000 का हो, 2,000 का हो, 6,000 का हो, मतलब आपका टेस्ट हो जाएगा फ्री में, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कुछ सीटें जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी उस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे चांदनी चौक है, ओखला है, हमारे यहाँ कुरेजी है, और अगर आप मुस्तफाबाद सीलमपुर देखें तो वहां भी, और वहां पर अगर आप कहें तो वहां पर पूर्वांचली भी हैं, उत्तराखंड के लोग भी हैं। हमारे यहाँ जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं वो अधिक हैं, क्योंकि रीसेटलमेंट कॉलोनीज बड़े पैमाने पर बसाई गई, और दिल्ली में हर जगह आपको मिलेगी वो कॉलोनी। और अरविंद केजरीवाल का एक जो सशक्त हाथ है वो ये है कि वो बैकआउट नहीं हुए इन बातों से। कितनी मुसीबत हुई, उनके 4-4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और अनाधिकृत रूप से उनको गिरफ्तार किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने अभी स्वाति मालीवाल का भी विषय उठाया, तो मेरा ऐसा कहना है कि स्वाति मालीवाल, और दिल्ली में एक बात और बता देता हूँ, दिल्ली में कंपैरेटिवली पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं बनिस्पत किसी और के। पढ़े लिखे अगर नहीं है, कोई रेड़ी वाले हैं और खोमचे वाले हैं या छोटा कारोबार करने वाले हैं, उनकी एक तो इनकम रेगुलर है, प्लस क्या है, उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन। जैसे दिल्ली में करीब 1,43,00,000 वोटर हैं, जिसमें 80,00,000 पुरुष हैं, 67,00,000 स्त्रियां हैं, तो जो 67,00,000 स्त्रियां हैं उनमें आधे से ज्यादा वर्किंग हैं, जो मेरा मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली सब्जी है, अंडे की रेडी है, फल की रेडी है, वहां सब स्त्रियां बड़े स्वच्छंद भाव से, कोई डर नहीं है। यहाँ तो बाकी और जो मेट्रो में जितने भी इस तरह के असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी जो आमदनी है कहीं भी 30-40-50 जैसे डोमेस्टिक हेल्प हैं, वो बैंगलोर जैसी जगह, इन सब जगहों में अगर देखते हैं हम, तो उनका औसतन वो 25,000-30,000 रुपए कमाती हैं। उनके घर में कार्ड का काम करते हैं तो वो 15 कुल मिलाकर उनके घर में 50,000 की इनकम आती है। आती इतना तो आते हैं,
इकोनॉमिक उसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी वो महानगर है वीक उसके नहीं, से वीक नहीं है, और जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजें, उसने उन्हें एक बेहतर उसमें किया है। मेहनत करते हैं, जी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जी और जगह से उसमें, बेहतर पोजीशन में है वो। और उसमें और भी केजरीवाल जो है निर्विरोध रूप से वो अग्रणी है इन सब चीजों को देने में। कांग्रेस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीब जब डॉक्टर वालिया हुआ करते थे 69 ओवर ब्रिजेस बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। परंतु जो उनका है कन्हैया वाला एरिया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी काफी कमी दिखाई देती है। जो ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कमजोर कैंडिडेट है, तो मेरा मानना यह है कि वो दिल्ली की नब्ज को जब उन्होंने बेगूसराय की सीट लड़ी थी उससे पहले से जानते थे। प्लस पिछले 8 वर्षों में दिल्ली पुलिस आज तक उनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, और वो बड़े बेबाक तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवा इसके कि उनकी बात को सुन लिया जाए। उत्तरोत्तर 15 दिनों में उनके चुनाव जो कर रहे हैं कैंपेन, उसने जोर भी पकड़ा है, इसमें भी कोई विरोध वाली बात नहीं। अब बात करते हैं इनकी, अरविंदर सिंह लवली की या संदीप दीक्षित की। ये बात ठीक है कि वो धड़ा अलग है, पहले भी अलग था। जब 98 में नसीब सिंह और अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव शुरुआत की थी, 15 साल वो रहे और मिनिस्टर भी रहे 10 साल वो, तो उस समय वो 9 सीटिए थे, और जो उनकी दिल्ली में पकड़ थी उसमें जमुना पार ज्यादा है बनिस्पत किसी और के। उनसे ज्यादा पकड़ अनिल चौधरी की रही, हालांकि किन्हीं वजहों से उनको हटा दिया गया, वो बात ठीक है। परंतु मेरा मानना यह है कि मैं अभी जो हमारे विश्लेषक गए हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं रखता, और वो उसके बहुत सारे कारण हैं। दिल्ली में अगर आप देखें तो अगर कोई रिमोट एरिया से एक व्यक्ति आता है, तो 4 साल बाद जब वो मिलता है तो आपको उसके 10-12 व्यक्ति गांव से यहाँ आए हुए सेटल्ड मिलेंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली अपना लेती है लोग। दिल्ली में यह बहुत बड़ी खासियत अरविंद केजरीवाल ने पैदा किया, इसमें शीला दीक्षित भी काफी अच्छा उनका हाथ रहा था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं यहाँ अग्निवीर योजना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर विरोध या सहानुभूति जैसी भी बात कोई नहीं होगी, सिवाय इसके कि जिन वोटर्स का राशन कार्ड या EWS कार्ड बनाया गया है, जिनकी केयर की जा रही है, और 70,000 वर्कर, पेड वर्कर आप पार्टी के पास हैं। अगर कांग्रेस यहां पर बेसिक जो ग्रास रूट है उसमें अगर संगठन में कमजोर है, तो संगठन में आप पार्टी बहुत मजबूत है। ये कह देना कि उनका वोट उनको नहीं मिलेगा और उनका वोट उनको मिल जाएगा, मैं इस बात को नहीं स्वीकारता। यहां पर सबका वोट सबको मिलेगा और कोई भी किसी के वोट को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से वोट देता है। मैंने यहाँ पर रिसेटलमेंट कॉलोनीज में भी देखी है कि माँ कहीं और वोट दे रही है, उनका बेटा कहीं और वोट दे रहा है, उनका पति कहीं और वोट दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर वोट स्प्लिट नहीं होता, होता है। हाँ, जो आपने कहा कि जो फ्लोटिंग वोट होता है वहां कुछ फर्क पड़ेगा, और ये कहें कि आप यहाँ पर तो जो नेशनल इश्यूज, जी जी मैं किसकी तरफ में शिफ्ट हो रहा है, कोई करंट है, कोई लहर है, मैं आ रहा हूँ जैसा कि आप दोनों ही ने बोला कि उस तरह से एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं, नहीं के खिलाफ, मतलब आपके जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसको मौसम के साथ जोड़ रहा हूँ। दिल्ली में आजकल का जो टेम्परेचर है वो 47-48 है, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो कंपेन है वो बड़ा धीमे चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें बहुत बड़ा कारण यहाँ की गर्मी भी है, क्योंकि ये जो टाइम है ये पीक टाइम है, इससे ज्यादा गर्मी दिल्ली में होती नहीं है। वैसे 43-44 टेम्परेचर से ज्यादा दिल्ली का टेम्परेचर होता नहीं है, और जो 45 साल से ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ता है वो नहीं निकल रहे। ये आप पार्टी है जिसका कैंपेन सड़कों पर फिर भी दिखाई दे रहा है, परंतु कांग्रेस और बीजेपी का
जो कंपेन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। प्लस जो 6 व्यक्ति हटा दिए गए वो क्यों हटाए गए, दिल्ली वाले बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली वालों में अंदर अंदर उनसे बेहद नाराजगी है, क्योंकि जो उन्होंने राग छेड़ा है वो मंगलसूत्र से लेके भैंस और जो बाकी सब कुछ कहा वो काफी निचले स्तर की बातें कही गई, उससे डेफिनेटली बीजेपी के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, बीजेपी के लोग चर्चा भी करते हैं, और अगर कैमरा नहीं है तो वो इस बात की भर्त्सना भी करते हैं खुले मन से, ये मैं बात आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं। तो मेरा मानना ये है टफ फाइट है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आप और कांग्रेस मिलकर 5 सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 14 में और 19 में एक फर्क मैं और बता देता हूं, 14 में दोनों की सीटें मिलाकर अगर वोट मिला दिए जाए तो 6 सीटें जीत रहे थे, मात्र 1 सीट जा रही थी। 19 में ऐसा नहीं था, 19 के चुनाव की कंपैरिजन 24 के साथ नहीं हो सकता किसी भी धरातल पर आप जाकर बात कर लें, क्योंकि 24 का चुनाव ये गुस्से का वोट है। आप सोचें कि ये इंडिया गठबंधन की फेवर में है, बिल्कुल नहीं, ये मोदी जी के विरोध में गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मैं इस बात को बड़ा सुदृढ़ रूप से मानता हूं।